हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 जून के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 10 टेक्निकल प्लस 10 नॉन टेक क्वेश्चंस रहेंगे और सारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि बहुत ही कम टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो यहाँ पर। और ये वीडियो किसके लिए बेनिफिट होने वाला है, जो बंदे अभी SSC JEE का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, उनके लिए यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इतने कम टाइम पर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर जाओगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा भाई कि कितने सारे रिविजन आपके कम टाइम पर हो जा रहा है। और आपको देखो डेली डे वाई क्या करना रहता है यार, कंपैरिजन, जैसे कि मतलब होता है कि अपने आपका डेली इंप्रूवमेंट करना कि भाई मैं कल क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा हूँ, और डेली आपके जो भी वीकनेस पॉइंट है डेली उसको एक एक उठाना है और उस पर कुछ ना कुछ काम करते रहना है, तभी भैया सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है। नहीं तो सोचोगे कि एक दिन मतलब अलादीन का चिराग जैसा भाई चिराग घिसोगे सफलता हाथ में आ जाएगी, दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ डेली आपको अपने आप पर काम करते रहना है, उन वीकनेस को दूर करके ही आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, दूसरों से तुलना करके कभी नहीं बढ़ पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि माइल्ड स्टिल कंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग एक समझते हैं पूरा आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, जहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे मेरे पास माइंस जो होता है, माइंस हम लोग क्या करते हैं ओर निकालते हैं, जिसको हम लोग आयरन का ओर बोलेंगे, ठीक है। और आयरन का ओर हम लोग ओर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो अशुद्धि होती है, इम्प्यूरिटीज़ जो होती है, उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में हटाते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट निकल कर आता है जिसका नाम बोलते हैं क्या, पिग आयरन। तो आयरन ओर से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो क्या बोलोगे, पिग आयरन मिलेगा, जो कि ब्लास्ट फर्नेस में मिलेगा, ठीक है। अब इसी को फिर आप क्यूपला फर्नेस में जब यूज़ करते हो और जो वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन में जो उसकी कार्बन की जो परसेंटेज होती है 2 से 4.3% तक होती है, और इसमें ये कैसा नेचर का, तो हार्ड एंड ब्रिटल इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी के बाद अगर आप क्या करोगे ना कि जो आपका पिग आयरन है, अगर उसको पडिंग फर्नेस में ले जाके जहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे रॉट आयरन, और इसी को बोला जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो होती है ना आपकी जो कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम होती है, मतलब इसमें 99.99% ये माना जाता है कि भैया इसमें सिर्फ आपके आयरन ही होता है, ठीक है। इसलिए आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है। अगर मैं स्टील की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फर्नेस हो, चाहे OH फर्नेस, ऑक्सीजन फर्नेस, बेसमर फर्नेस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, स्टील मिल जाता है। तो क्वेश्चंस पूछा कि स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो ये 0.008 से लेकर 2% या तो 1.5% तक हो सकता है। उसके बाद स्टील का भी क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, मतलब कितना परसेंटेज कार्बन का होता है वो डिफाइन करेगा कि ये किस तरह का स्टील है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 0.008 से लेकर 0.3% अगर कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लो कार्बन स्टील, जिसका एग्जांपल होता है क्या, माइल्ड स्टील। और 0.3 से लेकर 0.6% ये मीडियम कार्बन स्टील होगा, और 0.6 से लेकर 2% ये आपका हाई कार्बन स्टील होगा। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि माइल्ड स्टील जो होता है कंटेंट क्या करता है, 0.3% तक या तो उसका लेस देन तक कार्बन का परसेंटेज इसमें रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें क्या बन सकते हैं आपके कि अगर मैं निकेल को मिलाता हूँ इस एलिमेंट का स्टील में तो उसकी टफनेस को बढ़ा देता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार आए हुए हैं एग्जाम में। मशीनेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन जब करोगे तो ईजिली कैसे होगा, जब आप उसमें सल्फर मिला दोगे। कोरोजन रेजिस्टेंस, अगर हमें स्टील को जंग लगने से बचाना है तो उसमें क्रोमियम मिलाना पड़ेगा। हार्डनेबिलिटी, उसकी अगर हार्डनेस की प्रॉपर्टी को बढ़ाना है तो उसमें मैंगनीज मिलाना पड़ेगा। और क्रीप रेजिस्टेंस अगर मुझे बढ़ाना है तो उसमें मोलिब्डेनम मिलाना पड़ेगा। क्रीप रेजिस्टेंस जो आपके टाइम के साथ फेलियर होता है, ठीक है, एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये फेलियर होता है किसी भी कंपोनेंट का। ये सारे एलिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किसको मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी जो है स्टील की बढ़ने वाली है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या कि बॉटम बॉक्स इन कास्टिंग प्रोसेस इज नॉन एज। तो कास्टिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग अलग अलग तरह के बॉक्स यूज़ करते हैं। अगर मान लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप का अगर कास्टिंग है तो उसमें 3 बॉक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे बॉटम वाला बॉक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रैग बोलेंगे। बीच वाले को बोलते हैं चीक, ठीक है, और इस वाले को बोलेंगे कॉप, बोलते हैं क्या, कॉप। तो अगर बोलेगा सबसे टॉप वाले को कॉप, बॉटम वाले को ड्रैग, और बीच वाले को चीक बोला जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बॉटम बॉक्स को ड्रैग बोलते हैं, इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो भैया जिन्होंने कॉप आंसर किए हो वो गलत है, समझ में आ रहा है, तो देख लो कहाँ पे गलती की हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो सिग्नेचर, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला जो हम लोग साइन लेके चलते हैं तो उसमें 6 तरह का आपके एंगल हो जाते हैं, कौन कौन से, बैक रेक एंगल हो गया, ठीक है, उसके बाद साइड रेक एंगल हो गया, उसके बाद आप क्या लिख के चलते, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, सॉरी एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, फिर एंड कटिंग एज, फिर साइड कटिंग है, फिर नोज रेडियस। तो ये 7 इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला जो आपका नॉर्मल क्लेचर होता है किसका, टूल का होता है। तो इसको अगर आप देखना चाहोगे कि भाई कौन कौन से एंगल कहाँ से बनते हैं, तो देखो अगर मैं बात करूँ
तो अलग अलग अब सेक्शन व्यू जो काटोगे ना तो ये अलग अलग एंगल निकल के आता है। जैसे कि हमें फर्स्ट वाला यहाँ इस वाले डायग्राम से दिख रहा है, तो इस वाले डायग्राम से आपको दो एंगल यहाँ पे निकल के आएंगे। मतलब इसको काट के जब इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका एक साइड रे के एंगल निकल के आता है यहाँ से, और एक आपका साइड रिलीफ एंगल निकल के आएगा। ठीक है, अगर इस सेक्शन से काटोगे ठीक है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख दोगे तो भाई इसका इसमें क्या निकल के आने वाला है, इसमें आपका बैक रे एंगल निकल के आने वाला है और आपका यहाँ पर एंड क्लियरेंस एंगल, सॉरी आपको एंड रिलीफ एंगल ये वाला निकल के आने वाला है। और ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीप एंगल बोलेंगे ये वाला। और उसके बाद अगर ये वाला सेक्शन से अगर काटोगे तो यहाँ से आपको निकलने वाला एंड कटिंग एज एंगल और आपको यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल निकलने वाला है। तो ये छह तरह के जो आपके एंगल निकल के आते हैं, तो ये अमेरिकन जो आपका नोमेनक्लेचर होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वहाँ से निकल के आता है। तो इसका सिक्वेंस भी यही रहता है, पहले होता भाई बैक रेक एंगल, फिर होता साइड रेक एंगल। ठीक है, पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर बैक रेक, फिर आपका होता है साइड रेक एंगल, फिर आपका होता है एंड कटिंग एज एंगल, फिर आपका होता है सॉरी उसके बाद होता है एंड रिलीफ एंगल, उसके बाद आपका होता है साइड रिलीफ एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद एंड कटिंग एज एंगल, उसके बाद होता है आपका साइड कटिंग एज एंगल। तो ये उसके बाद ये वाला जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं नोज रेडियस। तो ये छह तरह के इन्फॉर्मेशन आपके निकल के आते हैं। तो इसमें जो नोज रेडियस रहता है ना उसकी जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, वो होती है आपकी मिलीमीटर में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेक एंगल, तो भैया इसकी टूल की स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो तो भाई अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मान लो ये कोई कंपोनेंट है ठीक है, तो इस पर अगर मुझे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाना, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ इस तरीके से मान लो है, तो ये वर्टिकल वाला जो आपका यहाँ पर लाइन रहता है इसी से लेते हैं हम लोग के अल्फा लेते हैं, जिसको रेक एंगल बोलते हैं, और इस वाले एंगल को बोलते हैं लीप एंगल। तो आपको नहीं लगता जैसे जैसे आपका अल्फा बढ़ेगा ये जो भाई लीप एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा, तो भैया टूल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो अल्फा रेक एंगल अल्फा को अगर बढ़ाएंगे तो टूल की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। इससे आंसर क्या हो जाएगा इसकी भाई, इसकी ये हो जाएगा डिक्रीज, आंसर बी हो जाएगा। बहुतों ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, भाई बेंडिंग मोमेंट देकर रखा हुआ इसमें ठीक है, और आपका ट्विस्टिंग मोमेंट देकर रखा हुआ। तो पूछ रहा है उसने इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 m ब्रैकेट पे लगा लो प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछेगा इसी क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा ना, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है ये होता है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आप देखना जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ डेटा है उसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका आंसर ऑप्शन ए निकल के आएगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेशियो ऑफ टोटल एलॉन्गेशन ऑफ बार ऑफ ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो रहेगा प्रोड्यूस्ड अंडर इट्स सेल्फ वेट टू द अप्लाइड लोड। मान लो कोई एक ऐसा बार है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो भाई अगर ये मान लो सिर्फ लटका हुआ तो इसमें जो एलोंगेशन होता है वो कितना होता है, डबल एल अपन डब्ल्यू एल अपन टू ए ई होता है, ये ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण एलोंगेशन होता है। लेकिन अगर इसमें आप पी लोड लगा दोगे तो इसमें एलोंगेशन कितना हो जाता है, डब्ल्यू एल अपन ए ई हो जाता है। तो वही पूछा है कि सेल्फ वेट के कारण और अगर आप लोड अप्लाई करोगे उसके कारण जो एलोंगेशन होने वाला है तो उसका रेशियो क्या होगा, तो ये रेशियो भाई 1/2 निकल कर आता है, मतलब ये 0.5 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या बी हो जाएगा, जो कि बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। द फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, तो अगर आपको पता होगा कि अलग अलग तरह का फ्लो मिलते हैं डिपेंडिंग अपन रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है अगर पाइप में अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। अगर 4000 से ज़्यादा हो गया आपका पाइप में फ्लूड को मतलब लिक्विड को फ्लो करते हुए तो इसको बोल देते हैं कि आपका टर्बुलेंट फ्लो बोल देते हैं। ठीक है, तो लेमिनार और टर्बुलेंट को डिफाइन करने के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर लिखते हो ये होता है रो भी डी अपन म्यू। तो भैया रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी वेलोसिटी डायमीटर और विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी, तो लेंथ ऑफ पाइप पे ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये एचएमटी का क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना कि अगर फोरियर ने क्या बोला कि मान लो ये कोई एक ऐसा वाल है ठीक है, इस तरह का कोई वाल ये थ्री डायमेंशन वाल है, तो इधर का टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 25 डिग्री सेल्सियस है ठीक है, यहाँ से मेरे को हीट का फ्लो करवाना है और ये दिया हुआ 200 mm का आपका थिकनेस है ये जो वाल है, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर हो इस जो भी आपका ये जो वाल है या कोई अगर जो बॉडी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सपोज ए के है, तो इस कंडीशन में फोरियर लॉ के जो बोलता है कि जो हीट ट्रांसफर निकल के आएगा, हीट ट्रांसफर का जो रेट होगा के ए डी टी बाई डी एक्स होता है, जहाँ पे
क्यू का जो यूनिट होता है वो किस में होगा, वाट में होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा कि भाई कितना होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर में आपको बताना है भाई कितना हीट यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो मतलब ये क्यू बाई ए निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो भाई के कितना देकर रखा, 0.51, ठीक है, इंटू डी टी, डी टी मतलब 50 - 25, तो ये हो गया आपका 25। डी एक्स मतलब 200 mm देकर रखा, इसको आप जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना इसमें आंसर आपका आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसको विदाउट कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर के हेल्प से आपको सॉल्व किया होगा ना, उन्हीं लोगों का ये जो आपका आंसर है वो बी आया होगा, अदरवाइज ये आपका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। तो के ए डी टी बाई डी एक्स, के को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिव बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो होती है डायमंड, जिसका होता है 2300 W/m/K होती है। ये किसी भी सब्सटेंस की पूछेगा, लेकिन पूछेगा मेटल में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो क्या बोलोगे, सिल्वर का होता है, ये 420 के अराउंड होता है। उसके बाद फिर कॉपर का होता है, फिर अलूमिनियम का होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो किस साइकिल पे वर्क करता है। जैसे कि हम जो बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो इंजन का जो भी वर्किंग होता है तो वो भाई किसी न किसी साइकिल पे बेस्ड होता है। जैसे कि इंजन वाले में वो ऑटो साइकिल मतलब ये पेट्रोल इंजन के लिए हो गया, डीजल साइकिल आपका डीजल इंजन के लिए हो गया। तो उसी तरह थर्मल पावर प्लांट जो वर्क करता है ये किस पर काम करता है, ये आपका रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना, रैंकाइन साइकिल जो होता है ये थर्मल पावर प्लांट पर यूज़ होता है। पूछा जाएगा जो गैस टर्बाइन होता है, गैस टर्बाइन में कौन सा साइकिल यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्या, ब्रेटन साइकिल यूज़ करेंगे। कौन सा, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। और VCRS साइकिल जो आपका आपका RAC का जो एक होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वो कूलिंग इफेक्ट ये करने के लिए जो आपका AC होता है, AC वगैरह जो होता है, तो वहाँ पर किस तरह से कूलिंग करना नहीं करना, तो वो कंसेप्ट हमें वहाँ पर समझ में आता है। तो अगर यहाँ से अगर पूछा जाए कि भाई रैंकाइन साइकिल में TS डायग्राम होगा कैसे, तो TS डायग्राम अगर इसका ड्रॉ करना है तो ये इसका होता है वेपर ड्रॉम, ठीक है। ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से, इसका साइकिल होता है जहाँ से ये क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 टर्बाइन से वर्क मिलेगा, 2 से 3 कंडेंसर जहाँ पे हीट रिजेक्ट करोगे, और आपका 3 से 4 आइसेंट्रोपिक आप पंप में वर्क दोगे, 4 से 1 आपका कांस्टेंट प्रेशर पे बॉयलर जो होता है उसमें हीट का एडिशन होता है। ये आपका हो गया किसका, रैंकाइन साइकिल हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे पूछा जाए ब्रेटन साइकिल कैसे होगा, तो ब्रेटन साइकिल का जो पीबी डायग्राम में 4 प्रोसेस होता है, पीबी की बात कर रहा हूँ, तो 4 प्रोसेस में कौन कौन सी होती है, 2 कांस्टेंट आपका प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होगा, और 2 आइसेंट्रोपिक होता है इसमें, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और कार्नोट साइकिल की पीबी डायग्राम की बात करें तो इसमें 4 साइकिल होते हैं, 4 कौन से होंगे आपके, 2 आपके आइसेंट्रोपिक, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से आपका 1 हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर हीट का रिजेक्शन हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसलिए इसका आंसर क्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, जबकि बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। इफ वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट जो क्वांटिटी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट की जो क्वांटिटी होती है ये क्या लिखते हो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बी को बढ़ाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट की जो क्वांटिटी है ये बढ़ेगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बंदों ने 75% बंदों ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। अब पूछा इसमें कुछ आर्टिकल्स देकर रखे हुए हैं कि भाई पता कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है, तो हमें पूछा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या होता है। तो आपको याद रखना कि जो 124 जो आर्टिकल अनुच्छेद है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। इसी को जरा सब चेंज कर दो, ये 214 कर दोगे तो ये आपके हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। और 108 जो आपका आर्टिकल है ये जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों राज्यसभा को और लोकसभा को एक साथ जब दोनों का मीटिंग होता है, जिसका चेयर हेड कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, तो उसी का जो आपका आर्टिकल दिया गया वो 108 आपका होता है, ठीक है। और 112 का जो आपका आर्टिकल है ये आपका होता है मनी बिल, जो मनी बिल हमारे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो आपका 112 में आता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 112 जो आपका होगा ना ये आपका एनुअल बजट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर लेना, ये आपका एनुअल बजट, और 110 जो होता है ये मनी बिल होता है, ये मनी बिल हो गया, और 110 होता है आपका एनुअल बजट के बारे में बात करता है। इसको अगर आप कंफर्म भी बोलना है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, किसके द्वारा किया गया था ना, A.O. Hume के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो फर्स्ट इसका प्रेसिडेंट कौन बने थे, इसका WC बनर्जी बने थे इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। और पूछा जाए कि महात्मा गांधी कभी बने थे क्या, बिल्कुल बने हैं, ये कब बने थे, 1924 में बने थे। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो ये बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और महात्मा गांधी का भैया जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहाँ पर है, तो भाई अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, चाहे आपका
वर्ल्ड बैंक को, दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की कैपिटल है, ठीक है। जेनेवा में किसकी किसकी वर्ल्ड हेडक्वार्टर आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसका है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये सब की हेडक्वार्टर आपकी जेनेवा में है, जो कि एक जो कि जेनेवा कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मनीला क्या होता है, ये फिलीपींस की कैपिटल है, और मनीला में ही आपकी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी क्या हेडक्वार्टर है। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7, तो आपको पता होना चाहिए भाई G7 में कौन कौन सी कंट्री है। तो देखो G7 में कौन कौन सी कंट्री है, अगर मैं बात करूँ तो ये जब का नॉर्थ अमेरिका होता है, इसमें आपके यूनाइटेड स्टेट और कनाडा आ जाता है, और यूरोपियन यूनियन में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम पहले था लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके बाद फ्रांस, इटली और जर्मनी हो गया, और उसके बाद एशिया से एक कंट्री होता है कौन, जापान। तो G7 ग्रुप का कंट्री का खासियत यही है कि भैया ये सारे डेवलप्ड कंट्री है, मतलब ये सारे विकसित वाले देश थे, ठीक है। और हम लोग विकासशील मतलब हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, ये सारे डेवलप्ड हो चुके हैं। ये पता कैसे चलता है कि अलग अलग जो रैंकिंग आती है ना, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, इसमें जिसकी जितनी अच्छी रैंक आती है मतलब वो कंट्री उतनी ही अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं पार्ट है इसका, रशिया पार्ट नहीं है, रशिया अभी पहले इसका पार्ट था लेकिन 2014 में इसको G7 से हटा दिया, मतलब पहले G8 था लेकिन 2014 में इसको रशिया को हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि भैया एक यूक्रेन में एक जगह है क्रीमिया, ठीक है, उस क्रीमिया का जगह को रशिया ने हथिया लिया था, जिसके कारण G7 कंट्री ने रशिया को बॉयकट कर दिया और इस ग्रुप से हटा दिया, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भाई किस किस मतलब कितने स्टेट से होकर पास करती है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भैया 8 स्टेट से होकर हमारी पास करती है, ठीक है। ये आपकी पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन कौन सी आप देख लो, यहाँ से पहले हो जाएगा आपका कौन सा, पहले आपको हो गया गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट आता है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। तो टोटल कितने 8 आपके ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए 120 से ऑब्लिक 80 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर का ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ने इसका सही आंसर किया, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थे कि भैया आपको सही आंसर करना ही चाहिए था। विच ब्लड ग्रुप इज़ ए यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है, वो किसी भी किसी को भी अपना मतलब ब्लड डोनेट कर सकता, तो ओ निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दे सकता है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। लेकिन यूनिवर्सल अगर एक्सेप्टर की बात किया जाए कि भाई कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी से भी मतलब किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो उसको बोलते हैं ए बी पॉजिटिव। तो ये ए बी पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर वाला ग्रुप होता है, और ओ निगेटिव का डोनर वाला होता है, ठीक है। डोनर याद रखना, डोनर में देखो दो बार ओ आ रहा ना, तो भैया इसलिए ओ निगेटिव आ जाएगा, किसमें आपका यूनिवर्सल डोनर में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी तिकड़म मिला के याद रखना आपको। उसके बाद अगर बात करके जो सिमलीपाल आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा से बिलोंग करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या उत्तराखंड में भी बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका नंदा देवी फेमस बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं। आसाम में क्या होता है, आसाम में जैसे आपका जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, आसाम में ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ काइटो प्रोटोकॉल, देखो काइटो प्रोटोकॉल का एम के यही है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो कम किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ना, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो भाई इन सब का जो प्रोडक्शन है वो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारे एटमॉस्फेयर में कम करो। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या हो रहा है, भैया टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ना ही हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो भैया ये दोनों ही ऑप्शन सही हो गया ना, बी एंड सी, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, अगर ग्रीन हाउस गैस को कम कर देंगे तो भैया क्या कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग मेरा कम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहुत बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। पूछा है कि भैया जो आपका रिवर सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम, ये कहाँ पर मिलती है, किसके साथ, इंडस रिवर के साथ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखो ये वाली जो रिवर है भैया, ये वाली ये पूरी इंडस रिवर है, यहाँ पर देख लो रवि हो गया, सतलज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे रिवर कहाँ पे जाकर मिलती है, तो ये जो जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं क्या, मिथान कोट बोलेंगे, मिथान कोट पे जाके ये सारे रिवर मिलती है। तो आई होप आपको सारा डिस्कशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप सिर्फ एक चीज़ ये चेक कर लेना कि 112 आर्टिकल और 110 मैंने बोला, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो 110 होता है वो मनी बिल के बारे में बात करता है, ठीक है, मनी बिल, और 112 जो होता है वो एनुअल बजट के बारे में होता है, बात करता है, ठीक है। आप एक बार इसको जाकर सिर्फ कन्फर्म हो लेना, क्योंकि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं रखनी है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप क्या करो, नोट्स बनाते रहो और कंटिन्यूसली जो भी नॉन टेक वाला पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको बदसरते आप ईमानदारी के साथ डेली अगर नोट्स बनाओगे तो देखना यार महीने भर में आपको इसको मतलब आउटपुट आपको इसको दिखने वाला, मतलब अलग लगेगा यार कि हाँ मतलब मेरा कुछ नॉलेज में ग्रोथ हो रहा है। और जो अपने आपका जो इम्प्रूवमेंट करना ना इसी तरीके से करना, डेली कुछ ना कुछ ना कुछ आपको ऐड करते जाना है उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो आगे यार, तो डेली कुछ ना कुछ अपने इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा, लगे कि बेनिफिट है तभी शेयर करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।